जिंदगी में ऐसे नेक अमाल करने की तौफीक अता कर जिन अमालों से तू राजी हो जाए। हमें ऐसी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता कर जिस जिंदगी से तू राजी हो जाए। ईमान पे जिंदा रख और ईमान पे ही मौत अता कर। ऐ अल्लाह हमें तेरे अहकाम की फरमा बरदारी करने वाला बना और तेरे प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेक और पकीज़ा अदाब को अपनाने वाला बना दे। ऐ अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर कर दे। ऐ अल्लाह जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला आचिला नाफिया अता फरमा। ऐ अल्लाह जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं उनका कर्ज जल्द से जल्द अदा करवा दे। ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत शैतान से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह इस्लाम के दुश्मनों को हदायत अता फरमा। ऐ अल्लाह हलाल रिजक कमाने की तौफीक अता फरमा। ऐ परवरदिगार आलम हमें तुझसे मांगना नहीं आता लेकिन तुझे देना आता है, तो हर चीज पे कादिर है। ऐ अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा और जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। हमारी दुआ अपने रहम से अपने कर्म से कबूल फरमा और जिसने ये दुआ भेजी और इसे आगे बढ़ा रहा है उसकी सारी परेशानियों तकलीफों और बीमारियों को दूर फरमा और सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। ये दुआ पूरी जरूर सुने। ऐ मेरे परवरदिगार अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके पूरी दुनिया में जितने लोग वफात पा चुके हैं उनकी मगफरत फरमा, उन्हें कब्र के अजाब से बचा, जो बीमार हैं या परेशान हैं तो उनको अपने कर्म से माफ फरमा और उनकी बीमारी और परेशानियों को दूर फरमा। ऐ मेरे अल्लाह ऐ प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके जिसने मुझे ये दुआ भेजी उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा और हर काम में कामयाबी अता फरमा और उसका नसीब खोल दे। मेरे अल्लाह या रब्बुल आलमीन पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से दुनिया परेशान है। मौला तेरे गुनाहगार सियाहकार खताकार बंदे मौला तुझे पुकार रहे हैं। मौला तू ही है, तू ही है, मौला तू ही है, तू बड़ा कारसाज है, तू बड़ा कारसाज है। मौला तुझे तेरे हबीब का वास्ता, मौला तमाम उम्मत मुसलमा को मौला इस मौजी बीमारी से महफूज फरमा। मौला जो इस बीमारी में मुब्तला है मौला उनको शिफाए कामिला आचिला नाफिया अता फरमा। या रब्बुल आलमीन जिस बीमारी की वजह से दुनिया फानी से रुखसत हो चुके हैं मौला उन मुसलमानों की मगफरत फरमा, मौला उनके दर्जात बुलंद फरमा, मौला उनके सगीरा कबीरा तमाम गुनाह माफ फरमा के मौला उनको बख्श दे, मौला उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से पाक बना। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों अपने लिए जरूर दुआ करवाएं, न जाने किसकी जुबान से आपकी तकदीर खुल जाए। आज के दिन अगर ये दुआ आगे शेयर ना कर सके तो प्लीज वापस मुझे ही भेज दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।